राशि मुनिणी केदारनाथ ट्रैकिंग रूट पर महापंथ में 21 दिन से ट्रैकर का शव बर्फ में दबा हुआ है। बर्फ अधिक होने के कारण शव लेने गया हेलीकॉप्टर लैंड नहीं कर पा रहा था। वहीं आज फिर हेलीकॉप्टर रेकी के लिए पहुंचा। मामले को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि शव लेने के लिए पिछले 4 दिन में 2 बार हेलीकॉप्टर को शव लेने के लिए क्षेत्र में भेजा था, लेकिन बर्फ अधिक होने के कारण लैंड नहीं हो पा रहा था। आपको बता दें कि बीते 2 अक्टूबर रांसी गांव से 10 सदस्यीय ट्रैकिंग दल रांसी केदारनाथ रूट पर ट्रैकिंग के लिए निकला था। दल में शामिल पश्चिम बंगाल निवासी आलोक विश्वास, विक्रम मजूमदार थकान के कारण मुनिणी के समीप महापंथ से आगे नहीं जा सके और वहीं रुक गए। दल में शामिल अन्य 8 लोग उसी रात केदारनाथ पहुंच गए थे। दल ने महापंथ में रुके साथियों को प्रशासन और पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी। वहीं 8 अक्टूबर की सुबह जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय को सूचना मिली कि रांसी मुनिणी केदारनाथ रूट पर 2 ट्रैकर फंसे हुए हैं, जिनमें से एक की तबीयत खराब है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की मदद से जिला आपदा प्रबंधन टीम केदारनाथ से क्षेत्र के लिए रवाना हुई, लेकिन खराब मौसम के कारण भैरवनाथ मंदिर से लौट आए। अगली सुबह 9 अक्टूबर को टीम दोबारा महापंथ के लिए रवाना हुई और मौके पर पहुंची, जहां पर उन्हें आलोक विश्वास मृत मिला। वहीं विक्रम मजूमदार को केदारनाथ लाया गया। एमके न्यूज़ की रिपोर्ट।